हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पूरे वीडियो में हर एक कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और जो इस वीडियो के पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, पहले और दूसरे पार्ट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, कृपया आप उन्हें एक बार जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। आज का हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, और सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो पहले हम दो पार्ट वीडियो का दो पार्ट पढ़े हैं, पहले दो पार्ट में हम लोग प्रेजेंट और पहला बेसिक और फिर प्रेजेंट टेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे हम प्रेजेंट, तो हमारा हो गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए पहला हम चलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस हमारे इसके टाइप्स जो हैं, इनके भी फोर टाइप्स हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो सामान्य भूतकाल है। दूसरा है पूर्ण भूतकाल है। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और चौथा है अपूर्ण भूतकाल। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य भूतकाल में। देखिए, इसका डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले है, इस टेंस में भूतकाल में किसी व्यक्ति विशेष की आदत, प्रतिदिन की क्रिया, तथ्य इत्यादि के विषय में प्रदान करती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में हमें जो डिफिनेशन इसमें क्या बता रहा है एक लाइन में, कि इसमें जो है ना प्रतिदिन की आदत या वो बता रहे हैं, जो प्रतिदिन क्रिया या आदत तथ्य कुछ बता रहे हैं इस टेंस में। चलिए, सबसे पहले हम इनका चलते हैं पहचानने का नियम। इसका पहचानने का नियम क्या है, इसमें पहचान है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थे, या यी, ये, चुका, चुकी, चुके इत्यादि। अब इनका देखिए, आपको जो ध्यान में रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है, मेनली हमारे ये स्ट्रक्चर है बनाने का नियम जो है, इसमें क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। इसमें देखिए क्या है कि ये पहला टेंस है जहाँ कि हमारे ये वर्ब का दूसरा फॉर्म जो यूज होंगे, ये पहला ऐसा टेंस के टाइप है जिसमें ये वर्ब के दूसरे फॉर्म का हमको यूज आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल वन बाय वन से लेके चलता हूँ। जैसे है, पहला एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेलता था। इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया, ये आपको पहचान से पता चल गया कि ये जो है कि लास्ट में ता था, ये क्या है, हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो अब हम इसके फॉर्मूला पे चलते हैं। क्या है, आई, मैं यहाँ सब्जेक्ट करता हो गया। अब इसका जो है ना इंग्लिश में आई, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ क्या, वर्ब का दूसरा फॉर्म। आपको हमने पहले वीडियो में, मैंने आपके वर्ब के फॉर्म के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अब कृपया वहाँ एक बार जरूर देख लें। अब प्ले का दूसरा फॉर्म होता है प्लेड, उसके बाद फिर क्रिकेट हो गया, मतलब मैं क्रिकेट खेलता था। इसका क्या, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। दूसरे क्या है हमारे, हम लोग क्रिकेट खेल चुके। आप एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, पहले जो प्रेजेंट टेंस में था वहां चुका है था, यहाँ चुका नहीं, यहाँ सिर्फ चुका चुके या चुकी है। तो अब देखिए क्या, हम लोग क्रिकेट खेल चुके। अब हम लोग का ये वी यहाँ सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद प्लेट वर्ब का दूसरा फॉर्म आ गया यहाँ से, उसके बाद फिर क्या है क्रिकेट, मतलब वी प्लेट क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, तुम आम खाए। इसका क्या है, तुम आम खाए। इसका आप यहाँ सब्जेक्ट्स आ गए, हमने यहाँ से सब्जेक्ट्स ले लिए, उसके बाद फिर ईट एट ईटन, ईट मतलब खाना, उसका सेकेंड फॉर्म एट हो गया, ईट एट अ मैंगो। ठीक है, अब फिर तीसरा है, हम लोग बाजार गए। हमको क्या हो रहा है, तुम लोग बाजार गए, तो यू वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब क्या है, वह क्रिकेट खेलती थी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट्स है, फिर ये वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या आ गया, प्लेड आ गया, फिर जो हमारा ये क्रिकेट है, सी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें तीसरा एग्जाम्पल है, सीता गीत गा चुकी। यहाँ सीता सैंग अ सॉन्ग। फिर तीसरा है,
वे लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ चुके, दे रेट सोशल साइंस। अब देखिए मैंने आपको जितने भी ये हम आपको किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो फॉर्म है, आप हमेशा इसमें ये चीजें ध्यान में रखिए हमेशा, कि मैं आपको इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको ये फॉर्म आपको याद करना है। ये जो आपको इसमें मेन चीजें जो है, आपको ये मेन चीज ये आपको ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है बनाने का नियम है, और आपका ये पहचान, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सबके सब टेंस जो है हम जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं सिर्फ हम इसको ही यूज किए हैं, यही फॉर्मूला को यूज किए हैं। और ये पहचान, आपको जितने भी टेंस मैंने आप अभी तक के डिस्कस किए हैं सब में आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखना है। जब तक आपको ये ध्यान में नहीं रहेंगे तब तक आप टेंस के टाइप्स नहीं पकड़ पाएंगे कौन से टेंस में है। अगर जब तक आपके टेंस के टाइप पता नहीं चलेंगे फिर आप उनका सही से आपके उनके ट्रांसलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं मैं आपको नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट टाइप के टेंस में। अब आ गए आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब देखिए इसके पहले हम आपको डिफिनेशन देखिए, जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य भूतकाल से बिना रुके हो रहा होता है। अब देखिए इसका मतलब है, आप पहले आप पहचान देखिए, आप ये डिफिनेशन लिखना चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको काम आएंगे, डिफिनेशन लिखने में हिंदी में भी आएंगे। और इसमें पहचान देखिए क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये इत्यादि लगा रहे, वह जो सेंटेंस होता है वो हमारा भूत अपूर्ण भूतकाल में होता है, अपूर्ण भूतकाल में होता है। अब देखिए इसका बनाने का नियम क्या है, बनाने का नियम है इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी वन, इसको वी वन प्लस आई एन जी, इसको आप वी फोर भी बोल सकते हैं, वी फोर भी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल लिया हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए अब क्या है कि मैं गाना गा रहा था, अब देखिए यहाँ क्या है सब्जेक्ट, यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिया, वाज वेयर यहाँ से वाज आ गया, देखिए वाज वेयर वाज जहाँ है सिंगल के हो रहे हैं, सिंगुलर है, तो वहाँ वाज में, वेयर जहाँ हमारे प्लुरल है। ठीक है, तो अब सिंगिंग, सिंग ये वी का पहला फॉर्म हो गया, सिंग उसमें आई एन जी लगा दिए, सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब दूसरा देखिए क्या है, तुम आम खा रहे थे, अब क्या है कि यू वेयर तुम आम खा रहे, सॉरी ये आपका यहाँ तुम आम खा रहे थे, यू वेयर ईटिंग अ मैंगो, You were eating a mango. यह मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है, हम लोग दिल्ली जा रहे थे, क्या है हम लोग दिल्ली जा रहे थे, क्या है हम लोग दिल्ली जा रहे थे, इसका क्या है We were going to Delhi. ठीक है, We were going to Delhi. अब देखिए ये जो we were है, मैं आपको यहाँ से सब्जेक्ट लिया, इसमें where उसके बाद going, go का फोर्थ फॉर्म going हो गया, to Delhi. ठीक है, अब क्या है तुम आगरा जा रहे थे, अब क्या है तुम आगरा जा रहे थे, यहाँ भी वही किया सब्जेक्ट लिया, पहले यू के साथ यहाँ वेयर लगा, यू वर गोइंग टू आगरा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब तीसरा क्या है इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हम लोग बाजार से आ रहे थे, कि यू वेयर, देखिए इसमें बाजार से आ रहे थे, वी वेयर कमिंग फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ये है। अब वह मैदान में दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, यहाँ क्या है, ही वॉज रनिंग इन द फील्ड, आपको ये सिंपल सिंपल सेंटेंस है, और ये जो भी सेंटेंस है हम आपको ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर पे ही बनाए हुए हैं। मेनली जो आपको इसमें ध्यान रखना है, मेनली आपको ध्यान रखना ये पहचान याद रखना है, और ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो याद रखना ही, ये दोनों फॉर्मूला याद रहेंगे तो आपके कोई सा भी इसमें, कोई सा भी इसका ट्रांसलेशन हो या कोई सा भी हो, इसमें आपका कहीं भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए क्या है फिर नेक्स्ट है, सीता रामायण पढ़ रही थी, अब क्या सीता वाज रीडिंग रामायण। फिर देखिए क्या, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप में लग के चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या है पूर्ण भूतकाल, इसको क्या बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। इसमें भी आपको मेनली जो आप डिफिनेशन देख लीजिए क्या है, जब कर्ता के द्वारा भूतकाल में किए किसी कार्य की बात
की जाती है वह कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है। अब देखिए मेनली इसमें जो दिया आप डिफिनेशन हो गए, आपको क्या मेनली पहचान आपको ध्यान में रखना है। पहचान, पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे। देखिए आपको प्रेजेंट टेंस में जो मैंने बताया था वहां चुका है, चुकी है का था, यहाँ क्या है आपका था है। आपको ये चीजें ध्यान देना है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो अब पास्ट टेंस में है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट टेंस में है, तो ये आपका इसमें बीत गया है टाइम। तो अब देखिए इसमें क्या है कि बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैड और वी थ्री ऑब्जेक्ट, ये सबसे इजी है आपके, इसमें कुछ आपको नहीं, इसका स्ट्रक्चर तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, जैसे है मैं क्रिकेट खेल चुका था, क्या है आई हैड, आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैड मैंने यहाँ से ले लिया, प्ले का ये थर्ड फॉर्म आ गया, प्लेड आ गया, फिर क्रिकेट आ गया, आई हैड प्लेड क्रिकेट, फिर क्या है हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। सब और सब आपको ये जो ये आपके जो ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, इसी पे हम सब ट्रांसलेट किया, और ये मैं सब एग्जाम्पल सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल लिया हूँ जो कि आपको एक बार यहाँ से भी मैच करके आप देख सकते हैं और आपको इजिली समझ में आ जाएंगे। और मैं जो ये डिस्कस कर रहा हूँ आप एक बार हमेशा याद रखिए कि ये डिस्कस जो मैंने इसमें किया, आप मिनिमम 10 सेंटेंस जो है ना हिंदी में आप लिख लिए, उसके बाद वो सेंटेंस को ना आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे, और कॉन्फिडेंस आने का मतलब ये नहीं कि आपको ये हम आपको हमेशा काम आएंगे, ये आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपको ये बेसिक आना चाहिए। जब तक ये बेसिक नहीं आएंगे तो ये आप कैसे करेंगे, आपको ये तो आना ही चाहिए ये। और ये आपको जो फॉर्मूला वगैरह ये लिखे हुए हैं ये आपको मैं बहुत ईजी वर्ड में दिया हूँ, बहुत इजी वर्ड में दिया हूं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है तुम क्रिकेट खेल चुके थे। आप सबसे पहले तो यहीं से पकड़े, चुके थे क्या है ये पूर्ण भूतकाल में है। अब क्या इसका फॉर्मूला पे चलेंगे, स्ट्रक्चर पे आए, क्या सब्जेक्ट इसमें यू आ गया, हैड प्लेड क्रिकेट। देखिए आप सिंपल ऊपर से मैच करते जाइए, सब आपके सबके सब आपके किए हुए, तुम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, यू हैड प्लेड क्रिकेट। तुम लोग यहाँ बोलेंगे कि दोनों का सेम है क्योंकि तुम लोग का भी यू होता है और तुम का भी यू होता है। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया हूँ, सो अगर आप हो सके तो फास्ट मोड में इसका स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए रिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट है, वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये हैड यहाँ से फॉर्म, ये जो आ गए, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गए, फिर यहाँ क्रिकेट आ गए। ठीक है, सीता पत्र लिख चुकी थी, क्या है सीता पत्र लिख चुकी थी। अब यहाँ क्या सीता पो, सीता हैड रिटर्न अ लेटर। ठीक है, आप इस पे देखिए ये जो सब है सब आपके यहाँ से मैच कीजिए, ये दोनों सब मैच कीजिए, सब आपको ऊपर से ही दिए हुए हैं। अब क्या है, वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अगर आपने आपको मेनली अगर ये याद है, एक लाइट एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आपको इसमें फॉर्मूला अगर और ये पता है, पहचान पता है, तो आपको जो है ना इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए मैं ये हाईलाइट कर दिया कि आप एक बार इसको जो है ना ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है ये लाना है, क्योंकि जैसे आप टेंस खत्म होंगे फिर मैं आपको नया तो ग्राम इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नई चीज लेके आऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण पूर्ण भूतकाल। अब देखिए क्या है, इस टेंस में भूतकाल में निर्धारित समय से कार्य चल रहे होने की जानकारी प्रदान की जाती है, यहाँ पर समय की जानकारी भी दी जाती है। देखिए इसमें क्या था, मैंने जैसे आपको प्रेजेंट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, उस तरह से इसमें क्या है आपका समय दिया रहेगा। आप ये जो चौथा फॉर्म है, चौथा फॉर्म में हमेशा समय दिया रहेगा। अब इसमें पास्ट टेंस में क्या है, इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय से आ रहा था, समय से दिया रहेगा रही थी, समय दिया रहेगा रहे थे इत्यादि लगा रहे, वह अपूर्ण भूतकाल में होता है। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा सिंपल है। इसमें इसमें क्या है, सब्जेक्ट्स प्लस हैड बीन। देखिए जब ये हैड बीन लगेगा तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ हैड है तो यहाँ वी थ्री लगेगा, ऐसा कुछ, जब हैड बीन आएगा तो यहाँ हमेशा वी प्लस आई एन जी होगा, उसके बाद फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, फिर सीन्स और फोर और जो टाइम रिफरेंस हमारे दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है टाइम, ये कुछ नया चीजें नहीं है, मैंने सिर्फ आपको टाइम रिफरेंस हम आपको ये लिख दिए हैं कि हाँ देखिए इसमें समय के लिए, तो पहले भी मैंने डिस्कस किया हूँ ये।
मैं अपना काम कई दिनों से कर रहे थे। अब देखिए इसमें कई दिनों से जो ये है, ठीक है, ये हमारा एक दिया हुआ है यहाँ। अब देखिए ये पहचान में क्या समय, कई दिन तो ये मेरा समय हो गया, और से मतलब ये टाइम को रिफरेंस हो गया, ये मेरा टाइम रिफरेंस हो गया ना ये। अब क्या है, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क फॉर मैनी डेज। अब देखिए ये सीन्स और फोर का मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसके लिए वो सेम रूल है, उसका कुछ नया नहीं है। फिर क्या है कि हम लोग 2010 से क्रिकेट खेल रहे थे, इसका क्या है, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। ठीक है, अब क्या है, तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या है, तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे, क्या, यू हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। इसमें देखिए सिंस जो हम लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ में टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, और ये फिक्स टाइम है, जहां भी फिक्स टाइम है वहां सिंस लगाएंगे, और जहां हमारा टाइम फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, वहां हम क्या करते हैं, फोर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या, तुम लोग कई दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, क्या, यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। आप देखिए इसमें टाइम रिफरेंस फिक्स नहीं है, तो यहाँ मैंने फोर्स लगाया हूँ। अब क्या है, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, अब क्या, 2 दिनों से, ये इसमें फिक्स टाइम डिफरेंस है, क्या, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 days। आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पे चलना है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ये पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, गीता 5 दिनों से स्कूल जा रही थी, गीता हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 5 days। वो 5 दिन जो है ये इसमें कुछ फिक्स टाइम दिया हुआ है कि हाँ ये 5 दिन से ही जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ सिंस लगाया है। इस टेंस में आपको सिंस और फोर्स में ध्यान देना है। वे लोग कई दिनों से पढ़ रहे थे, दे हैड बीन रीडिंग फॉर मैनी डेज। देखिए आपको मैंने सिंपल जो आज मैंने शॉर्ट क्लास लिया हूँ, शॉर्ट क्लास में लेने का मतलब मेरा यही है कि आपको सिंपल और सिंपल आपको इसमें पहचान पता होना चाहिए। अगर आपको पहचान पता है तो पहचान के साथ साथ आपको ये बनाने का नियम, ये स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपके कुछ भी रॉन्ग नहीं है, फिर आपके सबके सब सही होंगे। आप मिनिमम जो जितना एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, आप भी सिर्फ और सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल अपने मन से लीजिए, और उसके बाद भी इसका भी प्रैक्टिस कीजिए, और आपका ये 100% सही होगा, ये चीज की मुझे गारंटी है। आप ये कोई चीज बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो के साथ में एक मैं लास्ट में, थैंक यू, जय हिंद।